नमो नमः, मैं हूँ दिवज्योति दास। आप सभी को लर्न संस्कृत चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में नंबर्स के बारे में यानी संख्या के बारे में जाना, लेकिन हम 1 से लेकर 10 तक ही सिर्फ डिस्कस किए थे, तो आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक लिख दिया हूँ। जो पहला लाइन है ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो सब लोगों को पता है, और मिडिल लाइन में मैं संस्कृत में लिख दिया हूँ इसका नंबर, और राइट साइड में ये जो ही संस्कृत का संख्यावाचक शब्द है। तो जैसे कि मिडिल लाइन में मैं संस्कृत में लिख दिया हूँ, इसको समझने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक इसका नंबर संस्कृत में कैसे लिखते हैं इसको लर्न करना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक लर्न हो जाता है तो आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे 11, इसमें देखिए आप लोग 1 1 यानी 2 1 है, 12 1 और 2, 13 1 और 3, 14 1 और 4, तो इसी तरह ये संख्याएं प्रयोग होता जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ 1 से लेकर 9 तक इसका नंबर लर्न करना है, और जो 0 होता है 0, ये सब में सेम, संस्कृत हिंदी इंग्लिश सब में सेम होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे हम लोग को लिखना है 47, तो 47 में 4 और 7 होता है, 4 को लिखते हैं ऐसे और 7 को लिखते हैं ये जो देख रहे हैं आप लोग ऐसे, तो ये हो गया 47। ठीक इसी तरह हम लोग को लिखना है 83, तो 8 को लिखता है ऐसे, 3 को लिखते हैं ऐसे, तो ये हो गया 83। ठीक इसी तरह हम लोग को लिखना है 29, तो देखना है 2 ऐसे लिखते हैं, 9 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 29। तो इसी तरह हम लोग अगर 1 से लेके 9 तक संस्कृत में कैसे लिखते हैं इसका नंबर अगर जानेंगे तो हम लोगों को आसान हो जाएगा, दूसरा नंबर लिखने के लिए इजी हो जाएगा। अभी हम लोग इसका उच्चारण करेंगे, इसको पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा। सबसे पहले 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, या फिर एकोनविंशति है, दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, नवदश भी बोल सकते हैं, एकोनविंशति भी बोल सकते हैं। नवदश का मतलब है दस यानी 10, नव यानी 9, यानी 10 प्लस 9, 10 से 9 ज़्यादा, तो ये होगा 19 यानी नवदश। और एकोनविंशति मतलब विंशति ही मीन्स 20, विंशति से एक कम, एक ऊन विंशति ही, ऊना मीन्स कम होता है संस्कृत में, तो विंशति से एक कम इसको क्या कहेंगे, एकोनविंशति ही यानी 19। जो भी आप लोगों को इजी लगे आप लोग लर्न कर सकते हैं, दोनों लर्न करने से तो और अच्छा। ठीक इसी तरह 20 विंशति ही, ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति विंशति। ठीक इसी तरह 21 एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रिविंशति और त्रयोविंशति, दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति या फिर एकोनत्रिंशत्, 30 त्रिंशत्।
इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रिविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति या फिर एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्। ठीक है, इसी तरह 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत् या फिर द्वित्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत् या फिर एकोनचत्वारिंशत्, 40 चत्वारिंशत्। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत् या फिर द्वित्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् या फिर एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। ठीक है, इसी तरह 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत् या फिर द्वाचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत् या फिर त्रयः चत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत् या फिर एकोनपञ्चाशत्, 50 पंचाशत्। फिर से रिपीट करेंगे, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् या फिर द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् या फिर त्रयः चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या फिर एकोनपञ्चाशत्, 50। ठीक, इसी तरह 51 एकपञ्चाशत्, 52 द्वि या फिर द्वापञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत् भी बोल सकते हैं, द्वापञ्चाशत् भी बोल सकते हैं। 53 त्रिपञ्चाशत् या फिर त्रयः पञ्चाशत्, 54 चतुःपञ्चाशत्, 55 पञ्चपञ्चाशत्, 56 षट्पञ्चाशत्, 57 सप्तपञ्चाशत्, 58 अष्टपञ्चाशत्, 59 नवपञ्चाशत् या फिर एकोनषष्टिः, 60 षष्टिः। फिर से रिपीट करेंगे, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत् और द्वापञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत् और त्रयः पञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पंचपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः, 60। ठीक, इसी तरह 61 एकषष्टिः, 62 द्विषष्टिः, 63 त्रिषष्टिः, 64 चतुःषष्टिः, 65 पंचषष्टिः, 66 षट्षष्टिः, 67 सप्तषष्टिः, 68 अष्टषष्टिः, 69 नवषष्टिः या फिर एकोनसप्ततिः, 70 सप्ततिः। फिर से रिपीट करेंगे, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुःषष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः या फिर एकोनसप्ततिः, 70। ठीक, इसी तरह 71 एकसप्ततिः, 72 द्विसप्ततिः या फिर द्वासप्ततिः, 73 त्रिसप्ततिः या फिर त्रयः सप्ततिः, 74 चतुःसप्ततिः, 75 पंचसप्ततिः, 76 षट्सप्ततिः, 77 सप्तसप्ततिः, 78 अष्टसप्ततिः, 79 नवसप्ततिः या फिर एकोनाशीतिः, 80
अशीतिः। फिर से रिपीट करेंगे, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः और द्वासप्ततिः, त्रिसप्ततिः और त्रयः सप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः, अशीतिः। ठीक, इसी तरह 81 एकाशीतिः, 82 द्व्यशीतिः। आप लोग देख रहे हैं इसमें एक य आया है, इसमें भी य आया है, इसमें र आया है, तो इसमें आ की मात्रा, इसमें शद, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें संधि हुआ है। जब हम लोग संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा क्यों ऐसा ऐसा चेंज हुआ है संधि होने से। अभी मैं पढ़ देता हूँ, 82 द्व्यशीतिः, 83 त्रयशीतिः, 84 चतुरशीतिः, 85 पञ्चाशीतिः, 86 षडशीतिः, 87 सप्ताशीतिः, 88 अष्टाशीतिः, 89 नवाशीतिः या फिर एकोननवतिः, 90 नवतिः। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पञ्चाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः या फिर एकोननवतिः, नवतिः। ठीक, इसी तरह 91 एकनवतिः, 92 द्विनवतिः या फिर द्वानवतिः, 93 त्रिनवतिः या फिर त्रयोनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, इसमें पहले र की मात्रा है ऊपर, इसीलिए न चेंज हो गया है, ण हो गया है, 95 पंचनवतिः, 96 षण्णवतिः, इसमें भी संधि हुआ है इसीलिए आप लोग ऐसा चेंज देख रहे हैं, 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टनवतिः, 99 नवनवतिः या फिर एकोनशतम्, 100 शतम्। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एकनवतिः, द्विनवतिः, द्वानवतिः, त्रिनवतिः, त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, एकोनशतम्, शतम्। ठीक, इसी तरह 1000 को बोलते हैं सहस्रम, 10,000 को बोलते हैं अयुतम, लख को बोलते हैं लक्षम, करोड़ को बोलते हैं कोटि, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 एक सहस्रम, 10,000 एक अयुतम, 1 lakh एक लक्षम, 1 crore एक कोटि, ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर संस्कृत में हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग को बोलना है या फिर लिखना है, कैसे लिखेंगे? सपोज 101, इसको कैसे लिखेंगे? संस्कृत में जो इस साइड में, जो राइट साइड में जो संख्या रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये क्या है 1, तो इसको पहले लिखेंगे एक, तो उसके बाद एक किससे ज्यादा है, 100 से एक ज्यादा है, ज्यादा, ज्यादा को हम लोग संस्कृत में अधिक बोलते हैं, तो इसमें होगा एक अधिकम, एक अधिकम हो गया कितना, किससे ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो 100 को क्या बोलेंगे, एक शतम, एक अधिकम एक शतम। ये आप लोग हाइफेन भी दे सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम संधि कर देते हैं तो इसमें एक आ की मात्रा आ जाएगा, एकाधिकम, अगर अ को हटा दिया जाएगा तो इसमें एक आ की मात्रा आ जाएगा संधि होकर, तो ये क्या बन जाएगा, एकाधिकम, एकाधिकम एक शतम, इसको भी एक साथ
लिख सकते हो एकाधिकम एकशतम। ठीक, इसी तरह सपोज हम लोगों को लिखना है 339, हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे इसको 39 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नवत्रिंशत। नवत्रिंशत अधिकम यानी ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 300 से ज्यादा है। तो क्या होगा? 3 मीन्स 3, 100 मीन्स शतम। नवत्रिंशत अधिकम त्रिशतम, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे नवत्रिंशत, नवत्रिंशत अधिकम त्रिशतम। ठीक है, इसी तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। जो लास्ट वाला संख्या होता है वो हम लोग पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद पहला वाला प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह हम लोग 1000 के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1250, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 50 को। 50 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंचाशत। तो पहले लिखेंगे पंचाशत, पंचाशत अधिकम किससे ज्यादा है? 1200 से ज्यादा है। तो 12 मीन्स द्वादश, द्वादश, और 100 मीन्स शतम, द्वादश शतम, ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पंचाशत अधिकम द्वादश शतम। ठीक, इसी तरह 4022, इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में? जैसे लास्ट में है 22, 22 मीन्स द्वाविंशति ही। तो आप लोग पहले लिखिए द्वाविंशति ही, द्वाविंशति ही। उसके बाद किससे ज्यादा है? 4000 से ज्यादा है, यानी 4022। तो द्वाविंशति ही अधिकम क्या होगा? चतुसहस्रम। द्वाविंशति ही अधिकम चतुसहस्रम। ठीक, इसी तरह हम लोग संस्कृत में संख्याएं प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली बोलूंगा आप लोग लिख के भी एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों का स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाए और साथ साथ उच्चारण का भी प्रैक्टिस करें। यह आज का जो सेशन था संख्या यानी नंबर्स का, यहाँ पर ही समाप्त होता है। हम लोग दूसरा वीडियो में कोई नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।